हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 11.2 क्लास 8। स्टूडेंट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा देखने में दिख रहा है, यहाँ पर डायग्राम सहित मैं बना चुका हूँ, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन एक लेंथी फॉर्म में दे रखा है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ कि क्वेश्चन चाहे शॉर्ट हो या लेंथी हो, हमें क्वेश्चन की साइज़ के ऊपर ना जाते हुए हमें क्वेश्चन को समझना है। जितना लेंथी क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही ईजी होता है। चलिए शुरू कर लेते हैं, हम जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हो मैं आपको क्या कर दूँ, पूरा के पूरा क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूँ कैसे कि आपको क्वेश्चन करना है। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। चलिए यहाँ पे बात हो रही है ट्रेपेजियम की, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम की कंडीशन पता होना चाहिए, उसके फार्मूलेज पता होना चाहिए। मोहन नाम का लड़का है जो कि ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है, बाय मतलब खरीदना। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, अब क्या बोला है कि जो रिवर की साइड है, रिवर की साइड कहाँ पर है, ये रिवर की साइड है, पैरेलल साइड में, रिवर की पैरेलल साइड में। एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, अब देखिए यहाँ पे समझना है एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, अब रोड के आसपास भी आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, साइड बताई गई है, पैरेलल एंड ट्वाइस, टिक मार कर लीजिए यहाँ पे, समझना है हमें क्या है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्पेशली बताया गया है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर की साइड कितनी अलोंग द रिवर साइड कितनी है, इस पैरेलल, पहली बात तो क्या है कि वो पैरेलल है, देखिए साइड मैंने पैरेलल बना दी है यहाँ पर, टू यानी इसके साथ ही, पैरेलल के साथ क्या, एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, और रोड के साइड जो आपकी दे रखी है साइज उसके कितने हैं, ट्वाइस है। तो हमें पहले रोड की पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रिवर की पता करेंगे। तो रोड की मान लीजिए हमने मान लिए एक्स मीटर है, तो रिवर की साइड टू एक्स मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टू एक्स मीटर हो जाएगी। क्या बोला है, अलोंग रोड एंड रिवर की दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो रिवर क्या है, पैरेलल है, तो देखिए रिवर मैंने पैरेलल बना दी है यहाँ पर जो आपकी साइड है, टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, जितनी ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी दे रखी है आपकी ये साइड और ये साइड, तो बताया गया है कि रोड से रिवर की तरफ ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब टू एक्स, क्योंकि रोड की हमने क्या मान ली, एक्स मान लिए, तो यहाँ पर एक्स, तो ये कितनी हो जाएगी, टू एक्स हो जाएगी। चलिए अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वो आगे देख लेते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, बहुत शानदार, यहाँ पर हमें एरिया गिवन दे रखा है। चलिए मैंने आपका टाइम वेस्ट ना करते हो पूरा लिख दिया है यहाँ पर, जो भी गिवन आप भी लिख लीजिए, गिवन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ फील्ड गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर, लेंथ दोनों हमने लेट कर ली है कितनी है, और हाइट, हाइट यहाँ पर आप लिख लीजिए, हाइट कितनी दे रखी है आपको, 100 मीटर, मतलब परपेंडिकुलर हाइट दोनों रोड और रिवर के बीच में कितनी दे रखी है, 100 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के साइड में जो लेंथ दे रखी है आपको उसकी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है रिवर साइड के फील्ड में कितनी लेंथ है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो चीज़ गिवन दे रखी है उसका हमें फ़ायदा लेना है यहाँ पर। अगर एरिया ऑफ फील्ड आपको पता है, अगर एरिया ऑफ फील्ड आपको पता है, आसानी से सब कुछ पता कर लेंगे। सो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 10,500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फील्ड, एरिया का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इंटू हाइट इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर, जो भी आपको गिवन हो आप लिख लीजिए। ए, ए मतलब होता है हमारी फर्स्ट साइड, एक्स प्लस बी कितनी है हमारी, टू एक्स, इन टू हाइट कितनी दे रखी है आपको, 100, 10,500। अब सिंपली 1/2 इन टू एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर एक्स में प्लस टू एक्स करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 3x इन टू 100 इक्वल्स टू 10,500। इतना सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, और आगे करते हैं, टू से कैंसिल आउट करेंगे 100 को तो 50 आएगा। आप चाहो डायरेक्ट 100 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, लेकिन सभी स्टूडेंट को समझ में ना आएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, 2 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया, कितने, 50 टाइम्स। अब क्या बचा अपने पास, 3x इंटू 50 इक्वल्स टू 10,500। नेक्स्ट स्टेप आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x का 50 में, तो 150x हो जाएगा, x की वैल्यू में फाइंड आउट करूँगा, 150 को यहाँ से मैं ट्रांसपोज करूँगा, 10,500 के अपॉन में जाएगा, क्यों, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जब होता है तो इक्वल टू के उधर कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। अब आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिवाइड करके आप मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा x 70।
एक्स की वैल्यू आपको आई है 70। अब देखिए हमने लेट क्या कहा था, लेंथ अलोंग रिवर फाइंड आउट करना है हमें, तो लेंथ अलोंग रिवर कितनी है 2x है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 70, 2 इंटू एक्स कितना होता है 140 मीटर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करें।